इसकी आवश्यकता कहीं भी हो दुनिया में तो सुधार के लिए तो हमेशा गुंजाइश रहती है। भारत का संविधान भी कहता है कि जब कभी अमेंडमेंट की जरूरत हो तो प्रोविजन है, सुधार बिल्कुल कभी किया ही नहीं जाएगा ऐसा तो कहीं नहीं रहता है। मैंने जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनको आरक्षण नहीं भी दिया जा सकता है। हाँ तो उसके लिए क्या दिक्कत है? या ठीक है, आप बोल रहे हैं, आरोप यह भी लोग लगाते हैं कि पिछड़ा वर्ग में भी कुछ लोग ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, तो यह बात भी ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और ज़्यादा ले रहे तो कितना ले रहे, यह बात कैसे पता चले? सीधे कहने से तो अंदाज से तो नहीं होगा ना, आंकड़ा अगर सही आ जाए तो पता चल जाएगा कि वास्तव में पिछड़ा वर्ग में भी कुछ लोग ज़्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे। अगर ज़्यादा ले रहे होंगे तो उनको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने कहा कि इसे तो अग्रा और पिछड़ा सबका फायदा है। जातीय जनगणना से आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा? वो आरक्षण से रिलेशन नहीं है जातीय जनगणना, आरक्षण अलग चीज़ है। जातीय जनगणना से तो तमाम तरह की स्थिति के बारे में पता चलेगा, कौन कहाँ है, क्या स्थिति है, तो इसकी स्थिति की जानकारी के लिए अब उसके बाद सरकार क्या कार्यक्रम बनाएगी उस स्थिति से निपटने के लिए, वो तो सरकार के ऊपर उस वक्त डिपेंड करेगा। अभी जात की गिनती से सीधा रिलेशन आरक्षण का नहीं है। पार्टी लड़ेगी, हमारी पार्टी का अंतिम फैसला है। अब आप पूछिएगा अगला सवाल कि गठबंधन में कि बिना गठबंधन में, तो आपके बिना पूछे हम जवाब दे रहे हैं। हमारी पहली कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़े, क्योंकि हम NDA के पार्टनर हैं, लेकिन अगर उसमें कोई कठिनाई हुई तो अलग से भी हम चुनाव लड़ेंगे, यह हमारी तैयारी है, हमारा निर्णय है। ABP News, आपको रखे आगे।